रेणु विजय फिल्म एंटरटेनमेंट ग्रुप दास एगो लाचन ओम नमः शिवाय गणपति बापा मोरिया ऑल द बेस्ट। नमः नमः प्रकृत भद्राय नियता प्रणस्ताम गणपति बप्पा मंगल मूर्ति धुर्वधुर्वंदन धुर्वतम जोस्मान धुर्वतिदम धुर्वयम वयम ध्रुवा महादेवान्नाम सिदम भूषणितम विदुषितम देवभूतमम। सांसद बने 70 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये महादेव की कृपा, अनगिनत रोजगार यहाँ पर हुआ। भोजपुरी सिनेमा को मैं धन्यवाद दूंगा, इंडस्ट्री से। आज मेरे छोटे भाई निशांत ने और प्रियांशु जी ने एक फिल्म यहाँ पर लेके आए एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर। और हम भोजपुरी की जो सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं, सुपरस्टार हैं, अम्रपाली दुबे जी हैं, हमारे छोटे भाई रितेश पांडे इज अ सुपरस्टार, ये लोग आए हैं बहुत अद्भुत स्क्रिप्ट लेके। ऐसी स्क्रिप्ट बहुत प्रियांशु जी जो कि जाने जाते हैं अच्छी स्क्रिप्ट को लेके, तो इन्होंने दाग एगो लाचन एक इमोशनल सेंटिमेंटल कहानी है, बेहतर वो बता सकते हैं। पर टाइटल से मुझे जो लगता है कि एक बहुत ही इंटेंस कोई स्क्रिप्ट है, नहीं तो अम्रपाली बहुत ही चूजी हैं, रितेश चूजी हैं, निशांत इतना पैसा इतना लगाते नहीं और एक बड़े बजट की फिल्म इन्होंने यहाँ शुरू की और आज इसकी चर्चा बहुत समस्त पूर्वांचल में जब दाग एगो लाचन एक फिल्म यहाँ पर शुरू हो रही है और अभी जीत का सहरा बांध के अम्रपाली दुबे यहाँ पर हमारे छोटे भाई दिनेश लाल यादव जी माननीय सांसद आजमगढ़ के जीत में इनका बहुत बड़ा गिरीड़ की हड्डी थी। उसके बाद स्ट्रेट उठ थकान के बाद ये शूटिंग पर आई हैं, तो मैं आपके लिए एक जोरदार ताली भी चाहता हूँ और बहुत सारी अम्रपाली दुबे जी को बहुत शुभकामनाएं। आजमगढ़ के किला फतेह करने में इनका भी बहुत बड़ा है। पूर्वांचल खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पूज्य महाराज जी का क्षेत्र गोरखपुर, यहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म शुरुआत हो रही है और 70 फिल्म हो चुकी है अभी तक, तो मैं समस्त हिंदी इंडस्ट्री को भी जल्दी लाना चाहता हूँ। यहाँ एक भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने का जो 150 एकड़ में हमारा प्लान है, वो भी मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द मैं 150 एकड़ जमीन देख चुके हैं, कहीं महाराज जी बता रहे हैं, और उसको हम लोग फिल्म सिटी का रूप देंगे। जहाँ पे भोजपुरी का गढ़, मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर भोजपुरी का गढ़ हो, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर सारी सुविधाएं ये सेंटर में है, तो गोरखपुर फिल्म सिटी हमारी इंडस्ट्री लावारिस इंडस्ट्री। हम लोग गुजरात भटकते हैं, लावारिस की तरह माँ बाप कोई नहीं, हम लोग हर जगह भटकते रहते हैं, तो एक छत मिले, वो छत गोरखपुर है और महाराज जी का विशेष कृपा है। उन्होंने तब हमको सांसद बनाया, दिनेश लाल यादव जी को बनाया, ताकि भोजपुरी के प्रति उनकी बहुत विशेष कृपा है। अब वो कृपा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगा कि लाखों बच्चे जो मुंबई भटकते हैं वो सब लोग यहीं पर काम पाएं और दाग एगो लाचन ने एक बड़ा न्यूज आज समस्त भारत में फैलाया कि गोरखपुर एक फिल्म सिटी का रूप धारण कर चुका है। जी, मैं चाहूंगा कि अम्रपाली बेहतर बताएं।